हेलो वेलकम बैक टू द फ्रेश न्यू वीडियो। एक नए वीडियो में आप सबका स्वागत है। तो इस वीडियो में मैं मीवी बूम स्टोर और मीवी रोम 2 का मैं साइड बाय साइड कंपैरिजन करने जा रहा हूँ और एक मेरा जो सालों का एक्सपीरियंस है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो भाई ये वीडियो सबसे पहले देखने से पहले भाई लाइक सब्सक्राइब और शेयर करके ज़रूर जाना। अगर आप नए सब्सक्राइबर हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। तो चलिए भाई साइड बाय साइड वीडियो कंपैरिजन शुरू कर दें। ये वीडियो कम्प्लीटली ऑनेस्ट रहेगा और नहीं है। जो स्पीकर है वो मैं बरसों से यूज़ कर रहा हूँ, इसका तो मैं 2 साल से मैं यूज़ कर रहा हूँ। आप प्रीवियस वीडियो भी इसका दे सकते हैं। मक्खन चल रहा है दोनों के दोनों स्पीकर में, 1% भी अभी तक प्रॉब्लम नहीं आई है। तो भाई चलिए भाई साइड बाय साइड कंपैरिजन शुरू करते हैं। तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो स्पीकर है वो मैं 2 साल से यूज़ कर रहा हूँ और ये तो मैंने थोड़ा ही महीनों पहले ही इसको मैंने लिया था। तो अभी ये दोनों को जो स्पीकर है उसमें मेन डिफरेंस आपको मैं बता देता हूँ। सबसे पहले तो इसमें बैटरी थोड़ी सी कम चलती है और इसमें बहुत ही ज़्यादा बैटरी चलती है। अभी मैंने ये जो स्पीकर है मैंने एक ही बार चार्ज किया है। मैंने आपका जो प्रीवियस वाला जो आप वीडियो देख सकते हैं उसके बाद मैंने ये स्पीकर को अभी भी चार्ज नहीं किया है, बट अभी भी ये स्पीकर जो है वो चल रहा है। और ये जो स्पीकर है 2 साल जो है हो चुके हैं, अभी तक मैं कोई प्रॉब्लम अभी तक इसमें नहीं आया है। तो भाई मीवी मूनस्टोन जो स्पीकर है उसकी प्राइस है 1700 रुपये और मीवी रोम 2 का प्राइस है 1200 रुपये। मेन जो आप डिफरेंस देखेंगे ये दोनों स्पीकर में, तो सबसे पहले इसमें साउंड क्वालिटी बहुत ही खतरनाक है मीवी मूनस्टोन में, और मीवी रोम 2 में मेरे ख्याल से साउंड क्वालिटी बेस आउटपुट है वो थोड़ा सा मेबी मूनस्टोन से कम है। बस दोनों में इतना ही डिफरेंस है। और बैटरी इसमें बहुत ही कम आती है, मेरे ख्याल से 8-7 घंटे तक ये इसमें बैटरी फुल चार्ज के बाद चल जाती है। और ये इसमें तो भाई ये तो इसमें तो गारंटी के मैं गारंटी दे सकता हूँ कि 20 आवर्स के ऊपर इसमें बैटरी चल जाती है मीडियम वॉल्यूम में, और उससे भी ऊपर चल जाती है अगर आप लो वॉल्यूम पर इसको चला रहे हैं। तो भाई दोनों में हम कनेक्टर देख सकते हैं कि कौन कौन से इसमें कनेक्टर है। यहाँ पे तो यहाँ पे एक USB माइक्रो USB इनपुट और एक 3.5 mm ऑडियो जैक इनपुट और एक मेमोरी कार्ड का स्लॉट इसमें दिया जाता है और एक माइक का इनपुट है जो एक माइक्रोफोन यहाँ पे दिया गया है। और इसमें ऊपर आप स्विच देख सकते हैं, ये ऑन ऑफ की जो स्विच है, प्लस माइनस और प्ले पॉज की जो इसमें बटन दिए गए हैं। और ये जो है मीवी रोम 2 यहाँ पे देख सकते हैं सेम टू जेम स्विच दी गई है, ऑन ऑफ की स्विच, प्ले का बटन है और माइनस और प्लस का, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। और यहाँ पे कंप्लीट रबर कोटिंग दी गया है, ये वाटरप्रूफ नहीं है बट ये वाटरप्रूफ है। यहाँ पे मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दी है, वहाँ पे मैंने वाटर टेस्ट भी किया हुआ है, तो आप वहाँ पे देख सकते हैं कि भाई मैंने वाटर टेस्ट किया हुआ है, एकदम खतरनाक वाटर टेस्ट के बाद भी ये चल रहा था, तो कोई भी प्रॉब्लम इसमें नहीं आई है। तो इसमें कनेक्टर देख सकते हैं कि भाई कितने कनेक्टर्स इसमें हैं। तो इसमें माइक्रो SD कार्ड का स्लॉट नहीं है, बाकी सभी कनेक्टर्स है, माइक भी है और 3.5 mm ऑडियो जैक इनपुट और एक USB माइक्रो USB का जो चार्जिंग के लिए यूज़ किया जाता है। तो ये कंप्लीट रबर का बना हुआ आता है, तो इसीलिए ये कंप्लीट वाटर प्रूफ है। अभी हम स्टार्ट करेंगे तो दोनों में आवाज़ कैसी आएगी वो देख लेते हैं। अभी मैं इसको होल्ड करके मैं स्टार्ट करता हूँ, तो माइक में थोड़ा सा यहाँ से यहाँ पास ले लेता हूँ तो आपको ज़्यादा आसानी रहेगी सुनने में। तो यहाँ पे मैंने माउस रखा, माइक रखा यहाँ पे, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ऑन ऑफ में कितना साउंड आता है, तो ये ऑफ हो गया। और अभी मैं इसको स्टार्ट करता हूँ। Power on. तो यहाँ पे Bluetooth mode. ये कुछ ऐसा साउंड आता है और यहाँ पे LED भी है, और मैं इसको टर्न ऑफ करता हूँ, फिर से इसको होल्ड ही करना है तो ये टर्न ऑफ हो जाएगा। Power off. तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ऐसा इसकी क्वालिटी है। तो अभी मैं क्या करूँगा कि ब्लूटूथ के साथ इसको कनेक्ट करके साउंड क्वालिटी टेस्ट कर लेते हैं, तो फाइनल पता चल जाएगी कितना इसका क्वालिटी है। तो यहाँ पे मैं करता हूँ चालू,
तो यहाँ पे देख सकते हैं ऑन हो गया है और मैं करता हूँ मूवी मोस्ट ऑन में कनेक्ट। तो ये कनेक्ट हो चुका है, तो मैं म्यूजिक प्लेयर ओपन कर लेता हूँ। अभी कोई कॉपीराइट फ्री ही म्यूजिक में बजा लेता हूँ। तो ये थंबनेल रॉन्ग आ रहा है, ये कार्टून ऑन एंड ऑन म्यूजिक है। आप बेस अच्छी तरह से सुनना, हेडफोन लगा के सुनना, तो आपको ज़्यादा आपको अंदाजा होगा कि किट में जो दोनों में स्पीकर है इसमें बेस डिफरेंस कितना है। रखते हैं, इसको टर्न ऑफ कर देता है। अभी बारी आती है इसकी। पावर ऑन, ब्लूटूथ मोड। देख सकते हैं इसकी क्वालिटी, ऑडियो क्वालिटी में मैं बेस तो भाई मैं इसमें नंबर वन नहीं दूंगा, बट जो साउंड क्वालिटी मतलब कि जो ट्रेबल वोकल्स जो है डिस्कनेक्टेड वो इसमें खतरनाक बजते हैं। तो ऐसा मेरा फाइनल रिव्यू है। अगर आप बेस के लिए और एकदम लाउडनेस के लिए आप ले रहे हैं और आपका बैटरी का जो बैकअप है वो आपके लिए मायने नहीं रखता है तो ये लीजिए। और अगर भाई आपको लॉन्ग बैकअप चाहिए तो ये मीवी मोनस्टो मीवी रोम 2 जो है वो आपके लिए ख़तरनाक साबित रहेगा। तो ये दोनों में से आपको कौन सा स्पीकर लेना है, अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो भाई बिना झिझक के कमेंट जरूर करना। और मैंने डिस्क्रिप्शन में दोनों की दोनों भाई स्पीकर की लिंक डाल दी है, वहाँ से आप आसानी से परचेस कर सकते हैं। अभी तक दोनों में कोई भी टाइप का प्रॉब्लम नहीं आया है और कितने मेरे फ्रेंड्स ने लिया है उस लोगों को भी कोई भी टाइप का प्रॉब्लम अभी तक नहीं आया है, कोई भी ब्लूटूथ का प्रॉब्लम भी नहीं आ रहा है, स्पीकर का भी प्रॉब्लम नहीं आया, एकदम मस्त तरीके से अभी भी चल रहा है। इसका तो 2 साल हो चुका है फिर भी ये स्पीकर चल रहे हैं। तो कोई भी सवाल हो कमेंट डाउन करना, लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर देना, और इंस्टाग्राम पर फॉलो करके भी उसमें डायरेक्ट मैसेज करके भी आप पूछ सकते हैं। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।